गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। क्लास टुडे इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट दैट योर एसएसटी सब्जेक्ट। ओके, नाउ फर्स्टली टेक आउट योर एसएसटी बुक एंड ओपन योर चैप्टर 10 वेदर एंड क्लाइमेट। ओके क्लास, बच्चों आज हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेदर क्या होते हैं और क्लाइमेट क्या होते हैं। सभी बच्चे सबसे पहले चैप्टर 10 ओपन कर लेंगे और चैप्टर 10 ओपन करने के बाद रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं कि वेदर क्या होते हैं। वेदर को हम हिंदी में कहते हैं मौसम। ओके, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। बच्चों वेदर मौसम को कहते हैं। वेदर एक कंडीशन होती है एयर की, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक टाइम पर जो है मौसम बना हुआ है, जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है। और प्लेस कौन सा है आपका? सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर पे बारिश हो रही है और टाइमिंग क्या है आपकी? इवनिंग की। तो ये आपका मौसम क्या बन गया है? वेदर का बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट इंपॉर्टेंट टर्म है। आज क्लाइमेट के बारे में भी आप समझिए। क्लाइमेट किसे कहते हैं? इट्स द सम वेदर्स कंडीशन एग्जिट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सबसे पहले समझेंगे बेटा, जो लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब लंबे समय से चले आते हैं, उस एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओके, कहते हैं हम इसको क्लाइमेट कहते हैं। ओके, इफ द सेम वेदर कंडीशन एग्जिट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, इट इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ना क्लाइमेट किसे कहते हैं? बच्चों क्लाइमेट जो होता है वेदर की एक कंडीशन ही होती है, लेकिन ये कम से कम 40-45 सालों से वहीं पर चली आती है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके क्लास, आपको वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप इंपॉर्टेंट टर्म से जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ वेदर, आप कहेंगे वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, व्हाट इज़ द क्लाइमेट? यू से दैट इफ द सेम वेदर कंडीशन एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके क्लास, लुक एट हियर। बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको एक्टिविटी दी जा रही है। आप न्यूज़पेपर उठाएंगे और न्यूज़पेपर में देखेंगे वेदर बुलेटिन। ओके, वेदर बुलेटिन में क्या देखेंगे? ये व्हेन विल द सनराइज, आज की बुलेटिन देखेंगे कि कब सनराइज हुआ। ओके, व्हेन विल द सनसेट, कब सनसेट हुआ है। व्हेन विल द मून राइज, कब मून राइज होगा मतलब चंद्र निकलेगा। और व्हेन विल द मून सेट। ओके, व्हाट विल द मैक्सिमम टेम्परेचर, आज की टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर क्या है और कम टेम्परेचर क्या है। ओके, व्हाट विल द मिनिमम टेम्परेचर। ये एक्टिविटी वर्क आपको बुक में करके आज शो करनी है। सभी बच्चे एक्टिविटी वर्क को सीरियस लेंगे और इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप एक बार रीचेक करके तब क्लास में सेंड करिए। ओके स्टूडेंट, आज का भी एक्टिविटी वर्क है। सभी बच्चे वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, लर्न ऑल द डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड आपको ये एक्टिविटी वर्क एज अ होमवर्क में शामिल करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे वर्क। ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर।